खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा पूर्व कृषि मंत्री रहे कसरौद विधानसभा के विधायक सचिन यादव के मार्गदर्शन में विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए शुक्रवार 25 अगस्त को कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ओपन बालक बालिका वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता में कुल 25 टीमों ने सहभागिता की। बालक वर्ग में प्रथम स्थान मकर खेड़ी की टीम ने प्राप्त किया। द्वितीय सरकार वल्लभ भाई पटेल स्कूल कसरावत रही। तृतीय स्थान सेवन डिफेंडर पिपलगोन टीम ने प्राप्त किया। वहीं बालिका वर्ग में प्रथम स्थान रानी लक्ष्मीबाई स्कूल कसरावत, द्वितीय स्थान श्री गुरुकुल स्कूल कसरावत, तृतीय स्थान पैरामाउंट स्कूल कसरावत ने प्राप्त किया। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। सर, आज विधायक का कबड्डी प्रतियोगिता थी, जाना जाता है कि आप भी स्पोर्ट्स के बड़े शौकीन रहे, युवा विधायक रहे, तो आज जो गेम खेला उसके बाद में आपके आगे और क्या है, क्या आज कसरावत में स्टेडियम की जरूरत है, इन चीज़ों पे भी क्या जीतने के बाद ध्यान जाएगा आपका? निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पर हमारे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों में बहुत सारी और विभिन्न खेलकूद हैं, खेल हैं, उन खेलों में हमारी हमेशा कोशिश रही है, प्रयास रहा है कि ऐसी प्रतिभाओं को हमेशा एक मंच मिले और उस मंच के माध्यम से हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी ना सिर्फ जिले बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ा सकें। और जहाँ तक खेल सुविधाएँ हैं, हम लोगों की ये कोशिश है कि आने वाले समय में हम यहाँ पर एक स्टेडियम का निर्माण हम लोग साउथ में करेंगे। जो मतलब नहीं कि हमारी सरकार थी, उस सरकार ने हमने बड़ी तेज़ी से इस दिशा में हम लोगों ने प्रयोग किया, प्रयास किया था, लेकिन जो घटनाक्रम घटा उसके कारण से हमारी वो योजना जो है मूर्त रूप नहीं ले पाई, लेकिन पुनः एक बार हमारी निश्चित रूप से सरकार बनने वाली है और सरकार बनने के बाद हमारे ग्रामीण क्षेत्र को विशेष करके हमारे जो कसरावत विधानसभा क्षेत्र के हमारे जो खिलाड़ी साथी हैं उनके लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का विस्तार करने का काम आगामी हम वर्षों में करने का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।